हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीए ड्रीम्स। एंड दोस्तों, आज 29th of November है और एक और अनाउंसमेंट है। ये अनाउंसमेंट है रिगार्डिंग शिफ्ट, सेंटर शिफ्ट हुआ है सर। और ये सेंटर शिफ्ट आपके कुछ पार्टिकुलर प्लेसेस पे हुआ है, हैदराबाद के अंदर में, सिकंदराबाद में और लखनऊ के अंदर में। तो लखनऊ में बेसिकली दो सेंटर्स में चेंजेस हुए हैं, ठीक है। और बाकी जो सेंटर्स में चेंजेस है वो मोस्टली आपको हैदराबाद और सिकंदराबाद के अंदर में है। ये रीजंस यहाँ पे दिया गया है सर, रीजंस बीइंग है सर ड्यू टू इलेक्शंस, ठीक है। 1st of December को इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे सेंटर शिफ्ट किए गए हैं। एंड जो मोस्टली जो सेंटर सर शिफ्ट हुए वो सिर्फ एक दिन के लिए हुए हैं, यानी कि 1st of December से सिर्फ उसी दिन, बाकी रेस्ट दिन आपका जो है एग्ज़ाम का वेन्यू वो पुराना वाला ही रहने वाला है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हिंदी महाविद्यालय है, इसको शिफ्ट करके एसटी पैट्रिक्स कॉलेज किया गया है सिर्फ और सिर्फ 1st of December के लिए। यानी कि आपका रेस्ट जो एग्जामिनेशन चलेगा वो सर आपके जो पुराने वेन्यू है वहीं पे चलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एवी कॉलेज ऑफ आर्ट्स है। तो सर यहाँ पे 1 से लेके 4 तक का जो भी पेपर होगा, यानी 1st of December से 4th of December तक के जो भी पेपर होंगे, अब वो सर होंगे स्टैनली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर में। तो उसके बाद के जो पेपर्स होंगे सर वो आपके पुराने वेन्यू पे ही होंगे, ठीक है। क्योंकि सर यहाँ पे देखिए पार्टिकुलरली मेंशन किया गया डेट कि सिर्फ उसी डेट को वहाँ पे आपको एग्ज़ाम्स देने हैं, ठीक है। फिर ये प्रगति महाविद्यालय हो गया, इसको भी स्टैनली कॉलेज में किया गया है सिर्फ एक दिन के लिए 1st of December को, ठीक है। उसके बाद ये प्रिंसटन डिग्री कॉलेज, ये भी हैदराबाद के अंदर में है, इसको क्रांति डिग्री कॉलेज में किया गया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ ओनली 1st of December के लिए, ठीक है। फिर हैदराबाद के अंदर में ये एक और स्कूल है, लिटिल फ्लावर स्कूल है, इसको भी क्रांति डिग्री ऑफ कॉलेज में किया गया है एक दिन के लिए, ठीक है। फिर एसटी जॉन चर्च जूनियर स्कूल है, इसको भी शिफ्ट करके सीनियर हाई स्कूल एसटी जॉन चर्च हाई स्कूल में कर दिया गया है सिर्फ एक दिन के लिए। ये भी सिकंदराबाद के अंदर में ये सेंटर है आपका, ठीक है। विवेकानंद डिग्री कॉलेज, ये भी सिकंदराबाद के अंदर में है, और इसको श्री साई विज्ञान भारती डिग्री कॉलेज में कर दिया गया है सिर्फ एक दिन के लिए, ठीक है। तो कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जिनको एक दिन के लिए किया गया है, और कुछ सेंटर्स हैं सर जिसको आपको पूरे के पूरे 4 दिन के लिए किया गया है, यानी 1 से 4 तक के लिए, ठीक है। अभी यहाँ पे आप और सेंटर्स देख सकते हैं, जैसे ये एसटी हानक हाई स्कूल है, इसको श्री रामचंद आर्ट्स में ये एक दिन के लिए किया गया है, हैदराबाद के अंदर में है, ठीक है। उसके बाद आप ये देख सकते हो, फिर से हैदराबाद का सेंटर है श्री विद्या सेकेंडरी, इसको केयर मॉडल स्कूल में, ये भी सिर्फ एक दिन के लिए। प्रगति वुमेंस डिग्री कॉलेज, इसको भी शिफ्ट किया गया है विवेकानंद डिग्री कॉलेज में, ये भी सिर्फ एक दिन के लिए, ठीक है। ये एडवेंट हाई स्कूल है शांति निकेतन में, इसको किया गया है, ये भी सिर्फ एक दिन के लिए, यानी 1st of December के लिए। तो ये सारे सेंटर्स देखो हैदराबाद के अंदर में ही आपको दिख रहे हैं अभी भी। PNM हाई स्कूल है, ये प्रतिभा कॉलेज, एक दिन के लिए किया गया है। सिद्धार्थ वुमेन कॉलेज, ये भी हैदराबाद के अंदर में है, सिद्धार्था वुमेन कॉलेज डिग्री कॉलेज है, और ये भी सिद्धार्था डिग्री एंड PG कॉलेज, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। एक दिन के लिए इसको भी किया गया है। कालीचरण PG कॉलेज, देखो लखनऊ के अंदर मैंने बताया दो सेंटर्स थे, तो यहाँ पे देखो मेंशन है कालीचरण PG कॉलेज, अभी ये न्यू पब्लिक कॉलेज में, ये भी एक दिन के लिए हुआ है। और अटल बिहारी वाजपेयी नगर निगम डिग्री कॉलेज है, इसको भी न्यू पब्लिक कॉलेज के अंदर में, यानी देखो ये दो जो सेंटर्स है इसको शिफ्ट करके ये एक सिंगल सेंटर पे किया गया है 1st of December के लिए। तो लखनऊ के अंदर में दो सेंटर हो रहे हैं, ठीक है। और हैदराबाद के अंदर में देखो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6 इधर है, 7, एक मिनट, 6 इधर है, 7, 8, 9, 10, 11, यानी 11 सेंटर आपके हैदराबाद में चेंज हुए हैं, ठीक है। और 2 सेंटर आपके सिकंदराबाद में, यानी 2 सेंटर सिकंदराबाद में और 2 आपके लखनऊ में, बाकी रेस्ट आपके जो है हैदराबाद के अंदर में चेंज हुए हैं ड्यू टू इलेक्शंस। तो सर इसको आप लोग नोट कर लीजिए एक बार, जिनके यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, ताकि उनको पता रहे कि उनको कौन से वेन्यू पे पहुँचना है एग्ज़ाम देने के लिए 1st of December को लेके, ठीक है। बाकी जो भी फर्दर अपडेट्स आएंगी सर, उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। बाकी किसी भी चीज़ के लिए कोई चेंज नहीं, देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है फर्दर जो रिमेनिंग पेपर है विल बी हेल्ड एट एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन सेंटर ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशंस है कि जो भी फर्दर अभी आपका जो भी एग्जिस्टिंग पेपर है वो सर आपके एग्जिस्टिंग एग्जाम सेंटर्स पे ही होगा, बाकी एडमिट कार्ड का कोई इशू नहीं होगा, सेम एडमिट कार्ड आपका हो जाएगा, ठीक है।
अदर रिटेल रिमेंस चेंज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको एग्ज़ाम्स देने में। बाकी जो भी आपको फर्दर अपडेट्स चाहिएगा तो ये टेलीग्राम चैनल हमारी ये टेलीग्राम चैनल पे या फिर हमारी यूट्यूब चैनल हमारे साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए कंटेंट सबसे पहले और ढंग से एनालिसिस करके ला पाएँ। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।